अच्छा, तो स्टूडेंट इससे प्रीवियस में हम जितना भी पढ़ रहे थे वो हमने नॉर्मल पढ़ा है, हीमोडायनामिक्स ने नॉर्मल होम्योस्टेसिस के बारे में, हीमोस्टेसिस के बारे में यार पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़नी है थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अगर एबनॉर्मली वो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जब नॉर्मली हो रही थी तो वो हीमोस्टेसिस थी और वो हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल थी। अच्छा, अब ये जो थ्रोम्बोसिस है ना, कहता है अगर हम इसके कॉज की बात करेंगे या जो भी बात करेंगे तो आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम एक ट्राइड की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम कहते हैं वर्चू ट्राइड। क्या कहते हैं? वर्चू ट्राइड कहते हैं। ये जो ट्राइड है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, और जब ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या हो जाती है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अगर आपके पास रिकरंट एंडोथीलियल इंजरी हो, यानी बार बार आपके एंडोथीलियम में इंजरी हो रही हो, तो वो क्या कॉज कर देगा, थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा। किस कहाँ से कॉज करेगा अभी हम बात करेंगे। दूसरी बात है कि अगर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो, ठीक है, ब्लड फ्लो जो है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा दो तरह का होता है, एक हमारे पास टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है और एक लैमिनर ब्लड फ्लो है। लैमिनर नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है और उसकी वजह से कोई ऐसा सच पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज नहीं होती, लेकिन अगर ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और टर्बुलेंट सा ब्लड फ्लो हो जाता है, जिसे हम स्टेसिस ब्लड फ्लो भी कहते हैं, यानी स्लो मूव करेगा और रेगुलर मैनर में, तो वो भी थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकता है। और थर्ड कंडीशन जो थ्रोम्बोसिस कॉज करती है वो है हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ठीक है, यानी कोएगुलेशन की जो पावर है आपकी बॉडी में वो हो गई है और जरूरत नहीं है, तब भी कोएगुलेशन हो रही है तो ये थ्रोम्बोसिस कॉज करेगी, ठीक है। तो ये तीन मेन फैक्टर हैं जो कि थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्पॉन्स करेंगे या एसोसिएटेड है। अगर एक्सेसिव एबनॉर्मल एंडोथीलियल इंजरी हो रही है तो वो थ्रोम्बोसिस की प्रोसेस को इनिशिएट कर देगी। अगर ब्लड फ्लो भी टर्बुलेंट हुआ हुआ है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है, एबनॉर्मल है, तो वो भी थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। और सेम है अगर कोएगुलेशन एबिलिटी आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अब ये किस तरह से हैं, बारी बारी हम लोगों ने इनको डिस्कस करना है। सबसे पहला जो फैक्टर है एंडोथीलियम की इंजरी, हम उसको डिस्कस करते हैं कि एंडोथीलियल की इंजरी कब होती है और अगर एंडोथेलियल की इंजरी होगी तो किस तरह से ये थ्रोम्बोसिस कॉज करेगी, ठीक है। अच्छा, एंडोथीलियम के लिए वो बात ये कर रहा है कि जैसे ही हमने प्रीवियसली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ लिया कि जैसे ही एंडोथीलियम इंजर्ड होता है तो बहुत सारे फैक्टर, वॉन विलिब्रैंड, कॉलेजन वगैरह एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे ही वो एक्सपोज होते हैं तो जाहिर है वो क्या करते हैं, प्लेटलेट की एडहीजन कॉज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्लेटलेट की एडहीजन करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज करते हैं, और जब प्लेटलेट्स आकर एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर है वहाँ पर हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगा, थ्रोम्बस। सो एंडोथीलियम की इंजरी फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन टुवर्ड प्राइमरी प्लग फॉर्म, और इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर उसने एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि आर्टीरियल जो प्लग बनते हैं या आर्टीरियल जो कोएगुलेशन होती है या थ्रोम्बोसिस होती है और वीनस थ्रोम्बोसिस में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। और इस फर्क की बेस पे इनको थेरापूटिकली भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्या फ़र्क है कि आर्टीरियल साइड पे ना, आर्टीरियल साइड पे जैसी एंडोथीलियम की इंजरी होती है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा है और उसमें प्लेटलेट ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक्सेसिव प्लेटलेट्स के बाद आपको पता है कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होता है और फिब्रिन इतना सा आके डिपॉजिट होता है। अगर यही बात हम वीनस ब्लड के लिए करेंगे तो वीनस ब्लड के अंदर प्लेटलेट की एग्रीगेशन बड़ी कम होती है जबकि फिब्रिन की डिपोजिशन काफी ज्यादा होती है। तो ये मेन डिफरेंस है आर्टीरियल और यार फिर वही मसला है मेरा, बहुत तेज बोलते बोलते मुझे नहीं याद रहता, मैं सांस ही नहीं लेती। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि आर्टीरियल साइड पे और वीनस साइड पे जो प्लग बनता है उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि आर्टीरियल साइड पे जो प्लेटलेट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टरी है, मेजर ब्लड फ्लो है, ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं तो वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगी। वीनस साइड पे हम बात करेंगे तो प्लेटलेट्स कम एक्यूमुलेट होती हैं जबकि फाइब्रिन की डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर एक आर्टीरियल प्लग बन रहा है और आर्टीरियल प्लग में प्लेटलेट एग्रीगेशन ज़्यादा है, और आपको पता है प्लेटलेट एग्रीगेशन कौन करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 को कौन बनाता है, साइक्लोक्सीजिनेज, और साइक्लोक्सीजिनेज को इनहिबिट करने के लिए क्या दे सकते हैं, हाँ, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा बेहतर है आर्टीरियल प्लग को रिमूव करने के लिए एज़ कम्पेयर टू वीनस प्लग। तो बुक के पहले लाइंस के अंदर उन्होंने वर्चू ट्राइड को एक्सप्लेन किया और वर्चू ट्राइड के बाद उन्होंने बात की है किसकी, प्लग के डिफरेंस की। अब नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं कि जब एंडोथीलियम इंजरी हो गई ना तो किस तरह से ये कोएगुलेशन जो है या थ्रोम्बोसिस जो है वो फेवरेबल होती है, ठीक है। एबनॉर्मल इंजरी हो रही है तो आपको पता है सबसे पहली बात कि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर
सो जब भी हमारे पास इंजरी होती है तो आपको पता है कि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर एक्सपोज हो जाता है, और इस वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के एक्सपोजर की वजह से हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है और प्लग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात वो ये कर रहा है कि एंडोथीलियम इंजरी से और इन्फ्लेमेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोएगुलेशन को स्टार्ट कराने में। अगर कहीं पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, वेसल्स में प्रेजेंट है, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो कुछ ऐसे साइटोकाइन रिलीज करती है कि ये साइटोकाइन एक्टिवेट कर देते हैं एंडोथीलियम को। ठीक है, क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं एंडोथीलियम को, और एंडोथीलियम में से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर जो कि थ्रोम्बोसिस को फेवर करेंगे। क्या रिलीज होते हैं, प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर जो कि थ्रोम्बोसिस को फेवर करेंगे। जब एंडोथीलियम इन्फ्लेमेशन में एक्टिवेट होगी, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर रिलीज करेगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियल एक्टिवेशन। क्या कहते हैं, एंडोथीलियल एक्टिवेशन। सो एंडोथीलियल की क्या हो गई, एक्टिवेशन हो गई, या एंडोथीलियल डिसफंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब ये एंडोथीलियल एक्टिवेशन किस वजह से होती है और जब ये होती है तो क्या करती है, इसके बारे में बात करते हैं। एंडोथीलियल एक्टिवेट हो सकती है किसी भी फिजिकल इंजरी के रिस्पॉन्स में। ठीक है, किसी भी फिजिकल इंजरी के रिस्पॉन्स में होती है। दूसरा, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आ गया और उसने आके एंडोथीलियम को स्टिमुलेट किया तो भी ये हो सकती है। थर्ड बात ये है कि अगर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है तो एबनॉर्मल फ्लो भी एंडोथीलियम की एक्टिवेशन या डिसफंक्शन को रेगुलेट करता है या कॉज करता है। फोर्थ बात जो हमने यहाँ पे की, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे तो वो भी इस एंडोथीलियम को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी, और उसके अलावा हमारे पास अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज़ हैं तो वो भी एंडोथीलियम एक्टिवेशन या डिसफंक्शन को रिस्पॉन्ड करेंगी। ये सारे कॉजेज़ हैं जो इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगी और क्या काम करेगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज़ में वो कह रहा है कि अगर हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया है या होमोसिस्टिनीमिया है, सिस्टीन्स के लेवल कम है, तो किस तरह से ये एंडोथीलियम एक्टिवेशन करेगी, ये बात होमोसिस्टीन वाली हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर कोई टॉक्सिन्स हैं, स्मोक वगैरह में प्रेजेंट हैं, तो वो भी एंडोथीलियम को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब एंडोथीलियम को एक्टिवेट कर दिया तो एंडोथीलियम की एक्टिवेशन का या एंडोथीलियम की डिसफंक्शन का इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, इफेक्ट ये है कि ये प्रोकोएगुलेंट चेंजेस कॉज करती है। क्या करती है, प्रोकोएगुलेंट चेंजेस कॉज करती है और कोएगुलेशन को या थ्रोम्बोसिस को फेवर करेगी। ना कैसे फेवर करेगी, सबसे पहली बात ये, एंडोथीलियम डिसफंक्शन की वजह से, साइटोकाइंस की वजह से जब एंडोथीलियम एक्टिवेट होता है तो ये एंडोथीलियम डाउन रेगुलेट करता है एंटी कोएगुलेंट फैक्टर्स को, ताकि कोएगुलेशन इनहिबिट ना हो बल्कि कोएगुलेशन फेवर हो। ठीक है, और एंटी कोएगुलेंट फैक्टर्स में पहली चीज़ आ जाती है, ये डाउन रेगुलेट कर देता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन को। अब आप बताओ, थ्रोम्बोमोड्यूलिन कोएगुलेशन को इनहिबिट कर रहा था ना, तो ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन को कम कर देगी। जब इसको कम करेगी तो इसने थ्रोम्बोमोड्यूलिन इनहिबिट करना था थ्रोम्बिन को, तो थ्रोम्बिन इनहिबिट नहीं होगा, थ्रोम्बिन के लेवल ज़्यादा होंगे। और थ्रोम्बिन हमने पढ़ा पार्स रिसेप्टर के थ्रू प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा, और जब प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे तो जाहिर है आपके पास थ्रोम्बोसिस फेवर होगी। तो ये पहली कंडीशन है जिसमें एंडोथीलियम ने कोएगुलेशन को फेवर किया। ठीक है, क्या किया एंडोथीलियम ने, एंडोथीलियम ने डाउन रेगुलेट कर दिया थ्रोम्बोमोड्यूलिन को, जिसकी वजह से थ्रोम्बिन ज़्यादा हुआ और थ्रोम्बिन ने पार्स रिसेप्टर्स के थ्रू प्लेटलेट की स्टिमुलेशन कराई। दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जब एंडोथीलियम की एक्टिवेशन होती है तो एंडोथीलियम दूसरा काम ये करता है कि प्रोटीन सी को भी डाउन रेगुलेट कर देता है या कम कर देता है। अब प्रोटीन सी भी एंटी कोएगुलेंट था, जब इसके लेवल्स कम हैं तो कोएगुलेशन अपोज नहीं होगी और कोएगुलेशन ज़्यादा होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, कि आपको पता है जब टिश्यू फैक्टर स्टिमुलेट होता है तो एक्सट्रिंसिक कैस्केड वाला पाथवे स्टार्ट हो जाता है ना, और वो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या करता है हमारे पास, एक्सटेंसिव पाथवे जो फैक्टर 7 से स्टिमुलेट हो रहा था, फिब्रिन की डेपोजिशन करता है। इस टिश्यू फैक्टर को इनहिबिट करने के लिए टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर होता है जो कि इसको इनहिबिट करके कोएगुलेशन को इनहिबिट करेगा। लेकिन एंडोथीलियम जब एक्टिवेट होता है तो टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर को मजीद इनहिबिट कर देता है, ताकि ये टिश्यू फैक्टर को इनहिबिट ना करे और टिश्यू फैक्टर रहे, कोएगुलेशन रहे, और यूँ आपके पास थ्रोम्बोसिस या कोएगुलेशन का जो स्टेप है वो ज़्यादा होगा और फेवरेबल भी होगा। तो अभी तक बात समझ आई कि एंडोथीलियम इंजरी की वजह से
एंडोथीलियम डायरेक्टली प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी करता है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ वॉन वेरी ब्रांड फैक्टर या कॉलेजन, और साथ ही साथ एंडोथीलियम की अगर एक्टिवेशन हो जाएगी तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें क्या है कि एंटी कोएगुलेंट फैक्टर जो हैं वो डाउन रेगुलेट हो रहे हैं, एग्जाम्पल थ्रोम्बोमोडुलिन प्रोटीन सी टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है एंटी फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटीज़ भी हैं। एंटी फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटीज़ कैसे, जब नॉर्मली एक क्लॉट बना हुआ होता है तो फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, और इसमें क्या होता है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बनता है जो कि प्लाज्मिन बनाता है और क्लॉट को डिजॉल्व कराता है, लेकिन एंडोथीलियम इस क्लॉट की डिजॉल्वेशन को भी इनहिबिट कर सकती है और फिब्रिनोलाइटिक को इनहिबिट कर देगी। कैसे इनहिबिट कर देती है या इनएक्टिव कर देती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को या उसके इनहिबिटर प्रोड्यूस करती है, तो आगे हमारे पास प्लाज्मिन नहीं बनेगा और क्लॉट डिजॉल्व भी नहीं होगा, सो थ्रोम्बोसिस फेवर होगी। तो पहला जो फैक्टर था एंडोथीलियम इंजरी का, कि एंडोथीलियम इंजरी थ्रोम्बोसिस कॉज करती है, ये आपको समझ आ गया कि एंडोथीलियम इंजरी एक्सपोजर भी करती है, ठीक है। और अगर एंडोथीलियम जो है वो एक्टिवेट हो जाए या डिसफंक्शन हो जाए, डिसरेगुलेट हो जाए, तो किस तरह से ये एंटी कोएगुलेंट फैक्टर्स को कम करके कोएगुलेशन को फेवर करता है। एंटी कोएगुलेंट्स में हमने क्या पढ़ा, थ्रोम्बोमोडुलिन कम हो जाता है, प्रोटीन सी को कम कर देती है, उसके बाद टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर को कम कर देती है, और साथ ही साथ ये हमारे पास टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को भी इनहिबिट कर देती है, सो कोएगुलेशन को फेवर करती है। समझ आ गई। अब हम चलते हैं दूसरे पाथवे के ऊपर। दूसरा पाथवे हमारे पास है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। दूसरा क्या है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। अगर फ्लो जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मली आपको पता है कि जब ब्लड फ्लो लेमिनर ब्लड फ्लो होता है तो दरमियान में WBC प्लेटलेट्स वगैरह सारे दरमियान होते हैं, और साइड पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्लाज्मा होता है जो इसको और एंडोथीलियम को सेपरेट करके रखता है। लेकिन यही ब्लड फ्लो जब एबनॉर्मल होगा और टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है, तो एक तो इसकी जो स्पीड होती है वो बड़ा कम हो जाती है, स्लो मूव करता है ये, और दूसरी बात ये है कि ये प्लेटलेट्स वगैरह सारे साइड्स पेरिफनी में चले जाते हैं और एंडोथीलियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू सिक्रेशन, थ्रू रिसेप्टर, थ्रू मीडिएटर, और एबनॉर्मैलिटी कॉज करते हैं और थ्रोम्बोसिस को फेवर करते हैं। किस तरह फेवर करते हैं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक बात जो इसमें उसने की हुई है वो ये कहा है कि आप लोगों ने याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पहले भी आपको डिफरेंस बताया कि हमारे पास आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस भी होती है और वीनस थ्रोम्बोसिस भी होती है। टर्बुलेंट या स्टैटिक ब्लड फ्लो डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करता है वीनस थ्रोम्बोसिस को। वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस तब होती है जब ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, जबकि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस के लिए टर्बुलेंट ब्लड फ्लो और उसके साथ साथ एंडोथीलियम की इंजरी ज़्यादा कॉरेस्पॉन्ड करेगी, एंडोथीलियम इंजरी ज़्यादा फेवर करेगी आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस को, ठीक है। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि ये ब्लड फ्लो एबनॉर्मल होगा तो ये कोएगुलेशन कॉज कर सकता है, किस तरह से कॉज कर सकता है, जैसे कहा कि ये प्लेटलेट जो है वो एंडोथीलियम के साथ कॉन्टैक्ट में आना शुरू हो जाएंगी तो एंडोथीलियल की एक्टिवेशन कर देंगी और प्रो कोएगुलेंट एक्टिविटी को इन्हांस कर देंगी। क्या करेंगी, एंडोथीलियल के साथ जब कॉन्टैक्ट में आएंगी तो एंडोथीलियल एक्टिवेशन करेंगी, और जब एंडोथीलियम एक्टिवेट होगा तो प्रो कोएगुलेंट फैक्टर्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, किस तरह से हमने पीछे देख लिया। दूसरी बात ये है कि डायरेक्टली हमारे पास ब्लड फ्लो की वजह से ये एंडोथीलियम और सेल्स वगैरह, सॉरी ये जो प्लेटलेट्स हैं और ल्यूकोसाइट्स हैं, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं एंडोथीलियम के साथ और एंडोथीलियम को डैमेज करते हैं और डैमेज करके कोएगुलेशन कॉज करते हैं, ठीक है। थर्ड बात वो ये कर रहा है कि जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया ना, स्ट्रेसेस ब्लड फ्लो है, तो यहाँ पे जो कोएगुलेंट फैक्टर्स हैं ये उनको मूव करा के नहीं लेके जा सकता, ठीक है, तो कोएगुलेशन फैक्टर एक्यूमुलेट होंगे और वो यहाँ पे क्या कॉज कर देंगे, एबनॉर्मल कोएगुलेशन कॉज करेंगे। हमने कल पढ़ा था कोएगुलेशन को लिमिट करने का एक तरीका होता है डाइल्यूशन, एक्सेसिव ब्लड फ्लो होगा वो उनको वॉश आउट करा के ले जाएगा कोएगुलेशन फैक्टर को और लिवर उनको मेटाबोलाइज कर लेगा, लेकिन अगर यही ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो गया तो कोएगुलेशन फैक्टर की वॉशिंग इफेक्ट होगी और हमारे पास थ्रोम्बोसिस फीवर होगी, ठीक है। तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो डायरेक्टली कॉज करता है वीनस थ्रोम्बोसिस, और अगर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो के साथ साथ स्टेसिस के साथ साथ इंजरी भी है तो फिर आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस होती है। अब नेक्स्ट वाला फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है और उसे हम लोग डिटेल में ज़रा पढ़ेंगे, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। हमने कहा कि ट्राइड है ना, तीन बातें हमने की, एक हमारे पास एंडोथीलियल इंजरी है, दूसरी हमने कहा टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है यानी ब्लड स्टेसिस हो जाती है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है, और थर्ड होती है हाइपर कोएगुलेबिलिटी। हाइपर कोएगुलेबिलिटी का मतलब है कोएगुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, एबनॉर्मल हाइट डेंसिटी है ब्लड के अंदर कि वो क्लॉट करता है, ठीक है, हाइपर
कोएगुलेबिलिटी या कोएगुलेशन।